बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, मैं हूँ मेहनाज अंसारी और आप देख रहे हैं मेहनाज अंसारी फूड सीक्रेट्स चैनल। और इस पे मैं बनाती हूँ रेसिपी, और आज की रेसिपी है ब्रेड आलू अंडे की समोसे। और इसमें ये चीज़ें डलेंगी, आधा चम्मच लाल कुटी हुई मिर्च, आधा चम्मच ज़ीरा, नमक हसबे ज़ायका, काली मिर्च और सूखा धनिया। तो चलिए इसे शुरू करते हैं कि इसे कैसे बनाया जाता है। और आलू को मैंने उबाल लिया है, इसे आप 15 से 20 मिनट तक उबाल सकते हैं। तो ये इस तरह से आलू आपका बिल्कुल गला होना चाहिए। और अंडे को मैंने उबाल लिया और अब इसे कद्दूकश करेंगे दोनों चीज़ों को। और अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी करें, और अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक और शेयर भी किया करें और वीडियो को पूरा देखें। और इस तरह से आपने आलू कश कर लेना है। आप चाहे तो इसे हाथ से भी मैश कर सकते हैं, लेकिन मैं इसके साथ करूँगी। ये देखिए कितना प्यारा हो चुका है। और अब इसी तरीके से हम अंडे को भी कद्दूकश करेंगे। अंडा भी हमने कद्दूकश कर लिया है और अब इसमें ये चीज़ें डालेंगे। और ये हरी मिर्चें थोड़ी सी, तकरीबन 2 हैं, और हरा धनिया के पत्ते। अब इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। तो ये ब्रेड के समोसे का मसाला जो तैयार हो चुका है, अब हम ब्रेड तैयार करेंगे और इसको उसमें भरेंगे। तो उसके लिए हमें चाहिए एक बेलन और ये ब्रेड, और इसके किनारे जो हम निकाल देंगे और सिर्फ अंदर का हिस्सा हमें चाहिए। तो ये मैंने सारे किनारे इसके उतार दिए हैं, इसको ग्राइंड कर लेंगे। और अब आपने इसको इधर रखें और थोड़ा सा खुश्का लगाएं बेलन पे, और इस तरह से आप इसको ऐसे रोल करना है। ताकि आपको एक अच्छी सी पतली सी इसको ना रोटी बना लेना है, ताकि आप इसको भर सके इसमें मसाला। ये देखिए इस तरह से ये बन जाएगी, ये तैयार हो चुकी है। अब दूसरी करेंगे, इसको साइड पर रख देंगे इस तरीके से। ये बहुत मजे के बनते हैं और जल्द भी बन जाते हैं। अच्छी व्यूअर्स, तो हमें चाहिए अब, ये हमने तैयार कर ली है ब्रेड की समोसे की टिक्की जो कहते हैं। तो ये देखिए इस तरह से हमने गरम मसाला रखना है, और इसके किनारों पे जो वो दूध लगाएंगे, ये देखिए इस तरीके से, ताकि ये आपस में किनारे जो वो चिपक जाए और फ्राई करने के वक्त ये खुले ना, इस तरीके से। इस तरह से आपने बंद कर लेना, ये देखिए। और ये समोसा तैयार हो चुका है अब, ये देखिए ये खुलेगा नहीं अब। इस तरह से अब सारे कर लेंगे।
तो ये मैंने चार ब्रेड ही ली थी, इसलिए मैं इसको मैंने तैयार कर दिए इस चार ब्रेड को। अगर आप ज़्यादा बनाना चाहें तो ज़्यादा ले सकते हैं। और इस बचे हुए मसाले की मैं टिक्कियाँ बना दूँगी इस तरीके से, ये देखें। और अब आप इसे फ्राई करेंगे, तो अब ये टिक्कियाँ भी तैयार हो चुकी हैं। और अब हमें एक अंडा लेना होगा, उसे फ्राई करेंगे। फ्राई करने के लिए जी व्यूअर्स, तो ये मैंने जो किनारे उतारे थे उसके ग्राइंड कर लिए हैं। और अब हमें एक अंडा, इसमें थोड़ी सी हल्दी डालूंगी कलरिंग के लिए, और हसबे ज़रूरत नमक, बिल्कुल थोड़ा सा, ये थोड़ा सा नमक। और अब हम इसे फेंट लेंगे, अच्छे तरीके से फेंट लेना आपने इस तरीके से। तो अंडे को मैंने फेंट लिया है। अब इसमें जो मैंने समोसे बनाए थे इसमें इस तरीके से डिप करना है आपने, और फिर इस तरीके से इसमें जो ब्रेड के किनारे उतारे थे हमने उसमें कोटिंग कर लेनी है इसको अच्छे तरीके से। और इसी तरीके से हम सारे कर लिए हैं, और इसे साइड पे रखेंगे और फ्राई पैन को ले, और घी मैंने डाल दिया। अब इसमें ये गर्म हो जाएगा अच्छे तरीके से, सही वाला गर्म होना चाहिए, और फिर इसमें वो समोसे डाल देंगे। तो घी जो है वो व्यूअर्स गर्म हो चुका है, अब इसमें ये समोसे डाल दूंगी। ये इसी तरह के चारों के चारों समोसे में डाल दूंगी इसमें, और हल्का ब्राउन होने तक आप इसमें इसे फ्राई करेंगे, ठीक है। इस तरीके से डाल लेंगे इसे, और चौथा भी इसमें डाल दूंगी। बिस्मिल्लाह। अब इसकी साइड चेंज करेंगे, ये बहुत मज़े के बनते हैं, आप इसे घर में ज़रूर ट्राई कीजिएगा, और इसे चाय के साथ खा सकते हैं आप, बहुत मज़े के बनते हैं, आप इसे घर में ज़रूर ट्राई कीजिएगा। ये देखिए ये दोनों साइडें इसकी फ्राई हो चुकी हैं ब्राउन इस तरह की। ये भी फ्राई हो चुका, ये देखो इसकी माशाल्लाह से कितना प्यारा इसका कलर आया है, और बहुत प्यारा फ्राई हो चुका है ये। इस तरह से दूसरे दिन का लेंगे, ये देखिए माशाल्लाह से बहुत प्यारे फ्राई हो चुके हैं हमारे समोसे। व्यूअर्स तो ये देखिए इस तरीके से मैं अब टिक्कियां फ्राई कर लूंगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये बहुत मजे की बनती हैं, आप जब इसे घर में ट्राई करेंगे तो खुद जान जाएंगे कि ये कैसी बनती हैं, और इसी तरीके से बनाएंगे तो बहुत प्यारी बनेगी और मज़े की बनेगी। फिर और धीरे धीरे टिक्कियाँ भी हमारी फ्राई हो चुकी हैं, अब इसे निकाल लेंगे और प्लेट में निकालेंगे इस तरीके से। बिस्मिल्लाह।
जी व्यूअर्स, तो ये देखें हमारे अब समोसे बिल्कुल तैयार हैं। अब इसे घर में ट्राई करें। ये देखें मैं तोड़ के आपको दिखा देती हूँ। बिल्कुल बाज़ार किस्म के, बाज़ार से भी ज़्यादा मज़ेदार, खूबसूरत और मज़ेदार समोसे तैयार आलू और ब्रेड के। और ये कैचअप अब आप इसमें। जी व्यूवर्स, तो आज की रेसिपी हमारी ब्रेड आलू अंडा समोसा बिल्कुल तैयार है। आप इसे घर में ट्राई करें और मुझे इजाज़त दें। किसी और नई रेसिपी के साथ फिर मिलेंगे। खुदा हाफिज़। अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।